हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक्रम प्रताप सिंह एंड वेलकम टू एच पी अकेडमी। और जैसा कि अभी हमने वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपसे सामने अपीयर होंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कि इंडियन एविडेंस एक्ट हम जो डिस्कस करेंगे अभी आज के लिए जो हमने करने के लिए अपना प्लान बनाया कि वो इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्कस करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में हम आपको ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के साथ साथ हम कुछ प्री ओरिएंटेड हो के हम आपको फोकस करेंगे चीज केस लॉज की लिस्ट देंगे। केस लॉज को हम डिस्कस करेंगे काफ़ी हद तक, और जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे उनको हम बार बार कई बार हम उसको हम डिस्कस करते रहेंगे जिससे कि आपको रट जाएगा। हाँ, एक चीज़ जो आपको नोट करने की ज़रूरत है, इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो केवल आपको एक बार बेयर एक्ट से गो थ्रू होना पड़ेगा, वो भी केवल उन्हीं प्रोविजंस पे जहाँ हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो बेसिकली हमें क्या जानना चाहिए, क्यों है इंडियन एविडेंस एक्ट की रेलिवेंस, क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट, आया क्यों है इंडियन एविडेंस, को ड्राफ्ट किसने किया, तो ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम आपसे ज़्यादा डिस्कस, इम्पॉर्टेंस क्यों है, उनका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट का, और भी काफ़ी चीज़ें हम आपसे डिस्कस। ठीक है, तो इसके साथ ही एक चीज़ और कि आप अपने बेयर एक्ट को आप अपने साथ रखें, एक छोटा सा सजेशन है, और हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? क्या है ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसका मतलब है कि एक एक्ट जो कि 1872 में पास हुआ, लेकिन इस एक्ट की रेलिवेंस क्या है, ये एक्ट आया क्यों, ये एक्ट है मतलब कोई लॉ है, ये लॉ बनाया क्यों गया। तो सबसे पहले हम आपसे छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं। पहले तो हम आपसे बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड ये है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि सपोज कि आपको संविधान बनने से पहले संविधान को एक टाइमिंग हम मानते हैं जहाँ की एक राइट कन्फरिंग राइट की बात होती है, जहाँ आपको एक राइट कन्फर करने की बात होती है। संविधान बनने के बाद कुछ राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी दी, कुछ राइट्स जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, गारंटी करता है, या कुछ और राइट्स, वो और राइट्स कौन है, जैसे पहले सबसे पहली चीज हम करते हैं क्या कि लॉ, लॉ क्या होता है, तो लॉ है कि जो कि आपको कुछ ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल के माध्यम से आपको क्या देता है, कुछ राइट्स देता है और कुछ ड्यूटीज। उन राइट्स के साथ साथ आपको क्या देता है, उन राइट्स के वायलेशन पे आपको उस राइट को रेस्टोर कराने का एक प्रक्रिया देता है, एक प्रोसीजर देता है। तो कोई भी लॉ किस तरीके से हो सकता है, पहला सब्सटैंटिव लॉ, क्या है ये सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब होता है कि ऐसे राइट्स, ऐसे लॉज जो कि राइट कन्फरिंग होते हैं, जो आपके राइट्स को डिटरमाइन करते हैं, जो आपको एक राइट देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये क्या है, ये राइट कन्फरिंग एक क्या है, लॉ है, ये आपको सब्सटैंटिव लॉ दे रहा है, सब्सटैंटिव राइट दे रहा है सपोज। और दूसरी, इसके साथ साथ और क्या, दूसरे लॉज और कौन से हो सकते हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन को हम मान सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे अपने राइट कन्फरिंग लॉज हैं, ठीक है, जिनको हम सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सब्सटैंटिव लॉ है, इन राइट्स के साथ
इनके वायलेशन अगर होता है, सपोज कि ए के पास कोई ए और बी ने मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उन उनके राइट्स का वायलेशन, अब जो वायलेशन होगा तो यहीं मतलब सब्सटेंटिव लॉ में ही आपको राइट टू फाइल सूट मिला हुआ है। राइट टू फाइल सूट क्या हुआ है, क्या मिला हुआ है, राइट टू फाइल सूट मिला हुआ है आपको, राइट टू फाइल सूट, ठीक है, या कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की इनिशिएशन की बात करो, दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या, कोई लॉ है जो कि आपको राइट कन्फर कर रहा है और उस राइट के वायलेशन पे वही लॉ आपको क्या दे रहा है, एक राइट टू लोकस स्टैंडाई दे रहा है कि जहां की आपको राइट टू को सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मान लिया हमने कि आपको राइट टू फाइल सूट, लेकिन क्या ये प्रक्रिया है, क्या ये प्रोसीजर है, नहीं, ये अभी सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है। क्या है अभी ये अभी है सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट, ठीक है। लेकिन जब आप राइट टू फाइल सूट को एक्सरसाइज करने जाते हो तो वो क्या हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, कैसा राइट हो सकता है, सिविल प्रोसीजर कोड हो सकता है, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो सकता है। तो सीआरपीसी और सीपीसी आपको क्या क्या दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक प्रोसीजर दे रहे हैं, उस प्रोसीजर के माध्यम से आप क्या करोगे, इन राइट के वायलेशन के, इन राइट के इन्फ्रिंजमेंट को आप फिर से क्या करोगे, रिस्टोर करोगे अपने राइट को जो कि टेक अवे कर लिया गया किसी के, तो करते ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, एक प्रोसीजर हो गया, एक प्रक्रिया हो गई, और ये प्रक्रिया क्या करती है, आपको एक फॉर्मेट देती है जिससे कि आप अपने उन राइट्स को क्या कर सकते हो, रिस्टोर करा, ठीक है। तो अब यहां आपने क्या करा, एक प्लेंट फाइल कर दिया या कोई एफआईआर लॉज हो गई क्रिमिनल मैटर, ठीक है, या कंप्लेंट आपने जैसे भी जो भी प्रोसीडिंग है इनिशिएट, ठीक है, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। लेकिन क्या इंडियन एविडेंस एक्ट बीइंग अ प्रोसीजर भी इसी तरीके का एक्ट है, नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट को एडजेक्टिव लॉ बोलते हैं, एडजेक्टिव लॉ का मतलब होता है प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर है ये रन कर रहा है, ये प्रोसीजर प्लस इसके साथ होता है प्रूफ, प्रूफ। तो जब कभी भी जो कि ये मैटर यहां आपको एफआईआर के मामले में मैटर आपका एक्सीड होता हुआ यहां जाता है, ठीक है, दूसरा प्लेंट के मामले में आपका मैटर यहां एक्सीड होता जाता है, एफआईआर के मामले में सबसे पहला जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो क्या होता है, चार्ज फ्रेम, चार्ज, ठीक है। और दूसरा सिविल केसेस में क्या होता है, आप क्या करते हैं, फ्रेम किया जाता है, इशू फ्रेम, ठीक है। तो अब देखिए कि जो चार्ज फ्रेमिंग है, इश्यूज फ्रेमिंग है, इस स्टेज के बाद से ये जो स्टेज है जहां आप प्रूफ करने जा रहे हो किस चीज को, इन राइट्स को, इन राइट्स को प्रूफ करोगे, और इन राइट्स के प्रूफ होने पे आपका ये जो नेचर है, आपके इस राइट का नेचर जो डिटरमाइन है, वो दो तरीके से हो सकता है, ऐसे प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। और जैसे ही ये, जैसे ही क्या होगा, प्रूव हो गया मैटर, जैसे ही प्रूव हो गया या डिसप्रूव हो गया, आपका ये जो लॉ था, ये जो सब्सटेंटिव राइट था आपके पास दिया गया था, वो क्या हो गया, वो प्रूव। मतलब अगर हम एक बात करें कि लॉ जो है, लॉ एक राइट कन्फर करता है, दूसरा उसके रेस्टोरेशन के, उन राइट के रेस्टोरेशन की एक प्रक्रिया बताता है, ठीक है। फिर उस प्रक्रिया में भी दो चीजें होती हैं, एक प्रोसीजरल लॉ होता है, दूसरा होता है एडजेक्टिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है कि जब कभी भी ये जो मैटर है, ये आपका राइट टू फाइल जो आपका सूट है, ये प्रक्रिया देता है, पूरी प्रोसीजर देता है, लेकिन जब प्रक्रिया में प्रूफ भी इन्वॉल्व हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सब्सटेंट एडजेक्टिव राइट, एडजेक्टिव लॉ। तो इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव लॉ कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कि इंडियन एविडेंस एक्ट
एडजेक्टिव लॉ है और इंडियन एविडेंस एक्ट एडजेक्टिव लॉ होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड प्रोसीजर यूज किया गया है उस प्रोसीजर के स्केल पे फिट बैठता है और उसे बैठना भी चाहिए, क्योंकि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में क्या डिसाइड किया कि कोई भी प्रोसीजर है दैट प्रोसीजर मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल, और जब प्रोसीजर फेयर जस्ट और रीजनेबल होगा तो हम इस चीज को अज्यूम करके चलते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है कि वो ऐसा प्रोसीजर है जो कि फेयर जस्ट और रीजनेबल है। ठीक है, तो जब प्रोसीजर फेयर जस्ट एंड रीजनेबल है तो यही हम आपसे एक चीज और डिस्कस करते हैं, ये प्रूफ क्यों करना पड़ता है। ठीक है, ये प्रूफ है क्या, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस चीज को इस तरीके से कि देखिए प्रक्रिया जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, एक होती है एडवर्सियल प्रोसीडिंग और दूसरा होता है इंक्यूजिटोरियल प्रोसीडिंग। इंडिया बात करता है एडवर्सियल प्रोसीडिंग की, जहां की पार्टीज के ऊपर ही लायबिलिटी होती है कि वो अपने गिल्ट को प्रूव करें या डिसप्रूव करें। ठीक है, और दूसरी तरफ होती है इंक्यूजिटोरियल प्रोसीडिंग, जहां की कोर्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, कोर्ट क्या करता है पैसिव एक्सपेक्टेटर ना होके एक्टिव पार्टिसिपेटर की तरह काम करता है और वो क्या करता है इंट्रूड कर सकता है या पूछ सकता है किसी भी अक्यूज से या पार्टी से कि आप अपने राइट को किस तरीके से करते हो। तो हम बात करेंगे इंडिया की, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी अगर हम देखें तो हमें एडवर्सियल एज वेल एज इंक्यूजिटोरियल दोनों की ग्लिम्स आते हैं, दोनों प्रोसीडिंग के ग्लिम्स आते हैं। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 165 कहता है इंक्यूजिटोरियल पावर की बात करता है ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट किसी भी स्टेज पे किसी से भी कोई भी रेलिवेंट इररेलीवेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन एक हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि कभी भी कोर्ट किसी भी मैटर में वो कुछ फैक्ट्स को प्रूव करने या डिसप्रूव करने के लिए कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन या इररेलीवेंट क्वेश्चन को कोर्ट में किसी भी सामने पूछ सकता है। ठीक है, और एडवर्सियल प्रोसीडिंग में होता है कि जब बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा शिफ्ट होता रहता है एक दूसरे कि मैं अगर अक्यूज हूं तो मैं अपने आप को अपनी बातों से प्रूव करूंगा, अपने कंटेंट से अपने फैक्ट से बातों को प्रूव करूंगा कि किस तरीके से हमारी जो प्रोसीडिंग है वो मैं निर्दोष, उस प्रोसीडिंग में मैं निर्दोष हूं, इस चीज को मैं प्रूव करता रहूंगा। ठीक है, तो जो प्रूव होगा प्रूफ का स्टैंडर्ड क्या है, तो हमेशा प्रूफ का स्टैंडर्ड सिविल केसेस में क्या होता है और क्रिमिनल केसेस में, दोनों में डिफरेंस। पहली चीज क्या है, सिविल केसेस में देखते हैं, सिविल केसेस में बियॉन्ड ऑल द प्रोबेबिलिटीज प्रूव करना पड़ता है किसको, मैटर्स को, सारे फैक्ट्स को, सारे एविडेंस। और क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, बियॉन्ड ऑल द रीजनेबल डाउट्स करना पड़ता है, क्योंकि हर अक्यूज्ड को इनोसेंट माना जाता है, लॉ अक्यूज्ड को इनोसेंट प्रज्यूम करके चलती है, और लॉ अगर प्रज्यूम करके चल रही है तो उसको कैसा मानना चाहिए, उसको हमें कैसा ट्रीट करना चाहिए, इस चीज को, इसी चीज को प्रूव करने के लिए माना जाता है इस बात को क्या कि ये जो एडवर्सियल प्रोसीडिंग है उसमें अक्यूज्ड अपने आप से प्रूव करे कोर्ट। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे इसके, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, एक प्रोसीजरल लॉ है, और प्रोसीजरल लॉ होने के नाते इसके प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब कि उसका कंप्लायंस पीछे से भी, मतलब बैक डेट पे भी उसका कंप्लायंस किया कराया जा सकता है अगर कोई भी अमेंडमेंट करके या किसी और प्रोविजन से उसको लेजिस्लेचर चाहता है उस तरह के इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसे रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव भी दोनों हो सकता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं एक फैक्ट पे और, जहाँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं इसको हटाता हूँ। जब नेचर ऑफ प्रोसीडिंग की बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, तो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इंडियन एविडेंस एक्ट की
लॉज के नेचर की बात करते हैं, लॉज के एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम दो तरीके से इसको कह सकते हैं. सपोज ये इंडिया है, दूसरा ये मान लेते हैं क्या पाकिस्तान. ठीक है, अब इंडिया के कुछ लोकल लॉज होंगे, पाकिस्तान के कुछ लोकल लॉज होंगे. ठीक है, इंडिया के कुछ लोकल लॉज होंगे, पाकिस्तान के कुछ लोकल लॉज होंगे. इनको एक जनरल सा कॉन्सेप्ट देते हैं, लेट्स लोकल, लोकल लॉज, इस जगह का लॉ, इस जगह का लॉ. ठीक है, दूसरी चीज जो इंडियन एविडेंस एक्ट का नेचर है उसे हम कहते हैं ये लेक्स फॉरी है, मतलब लॉ ऑफ द फोरम है. अब जो लॉ ऑफ द फोरम है इसका मतलब क्या है कि ये जो लॉ ऑफ द फोरम है मतलब इंडिया का कोई ए जो कि पाकिस्तान में प्रोसीडिंग कर रहा है, इंडिया का कोई ए पाकिस्तान में क्या कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा था, जहां उसको लॉस होता है वहां उसको उस कॉज ऑफ एक्शन उसका यहीं अराइज होता है पाकिस्तान में. अब वो वहां सूट फाइल करना चाहता है. तो सूट जो फाइल होगा इनका, जो सूट फाइल होगा वो कहाँ होगा, वो पाकिस्तान में अगर करना चाह रहा है तो इंडिया के सब्सटेंटिव लॉ पाकिस्तान में ए के साथ तो जाएंगे, लेकिन वहां का जो एविडेंस होगा वो लॉ इस सूट पे अप्लाई होगा. मतलब कि लॉ ऑफ द फोरम, जिस इंस्टीट्यूशन में, सपोज इस कोर्ट में एक्स कोई कोर्ट है, इस कोर्ट में सूट फाइल किया गया है, तो उस कोर्ट की पेरिफेरी में, उस कोर्ट के टेरिटरी में जो भी इंडियन एविडेंस अप्लाई होता होगा वही अप्लाई होगा. ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ यहाँ का अप्लाई हो सकता है, लेकिन या ये जो प्रोसीजर है इसे इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वहाँ का. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेक्स फॉर. ठीक, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके. ये तो लोकल लॉज हो गए, एक बात हो गई, चलिए इसको हम हटाते हैं, फिर आगे हम कुछ और देखते हैं. देखिए जब कभी भी हम बात करते हैं ना, कभी काफ़ी आपके क्वेश्चंस में भी पूछता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का नेचर, आप क्या कहते हैं, प्रोसीजर है या एडजेक्टिव लॉ. लेकिन इसके ना एक्सेप्शनल कंडीशंस में, कहीं एक एक्सेप्शनल कंडीशन इंडियन एविडेंस एक्ट को. ठीक है, एक प्रोविज़न है जो कि स्टॉपल का प्रोविज़न है, सेक्शन 115 डील करता है जिससे, वो क्या है, वो किससे रिलेटेड है, वो आपके सब्सटेंटिव लॉ के से रिलेटेड. प्रोसीजर हमें क्या करता है, कोई राइट कन्फर्म नहीं करता, रादर क्या, एक प्रक्रिया देता है, प्रोसीजर देता है उस राइट के अचीव करने. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं आपसे एविडेंस. ठीक है, एविडेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस का मतलब हिंदी में हम उसको साक्ष्य बोलते हैं. एविडेंस का मतलब होता है कि जब कभी किसी प्रक्रिया में, किसी प्रोसीडिंग में जब आपके किसी राइट का वॉयलेशन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, उन राइट के अचीवमेंट के लिए, उन राइट को ऑप्टेन करने के लिए, उनको फिर से क्या करते हो, रिस्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूट या एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाते हैं. ठीक है, अब इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि किसी भी घटना के लिए या किसी भी राइट के लिए कुछ उसकी सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस होती हैं. ठीक है, सपोज ये कोई एक्स कोई घटना हो रही है. ठीक है, इनकी सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस में बहुत सी घटनाएं हुई होंगी. ठीक है, सपोज कि एक आदमी है जो अपने घर से निकलता है ऑफिस के टाइम पे, 10 बजे का उसका ऑफिस है, वो अपने घर से निकलता है, बस पकड़ता होगा या अपनी कार से जाता है, फिर वो रास्ते में यहाँ उसको एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं लोग उसको उठा के, और फिर वहाँ उसकी डेथ हो जाती है, आदमी की डेथ हो जाती है कहाँ, हॉस्पिटल. ठीक है, तो अब यहां कनेक्टिंग फैक्ट्स क्या क्या हैं, वो ये घटनाएं हैं. अगर इन घटनाओं को हम प्रूव करें
अगर इन घटनाओं को हम प्रूव करते जाएं तो क्या प्रूव होगा एग्जैक्टली, इसकी क्या प्रूव हो जाएगी, डेथ। तो यहां क्वेश्चन क्या है, यहां क्वेश्चन क्या होना चाहिए जिसे कि हमें प्रूव करना है, वो पहला क्वेश्चन होना चाहिए वो इंसिडेंट, वो डेथ का इंसिडेंट। उस इंसिडेंट को प्रूव करने से क्या प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कर रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट इन सर्कमस्टांसेस को प्रूव करते हुए इसकी डेथ को प्रूव करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब इन्हीं बातों को हम करते हैं, ये जो जितने ही ये कनेक्टिंग सर्कमस्टांसेस हैं ये सारे क्या हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, क्या है, ये सारे फैक्ट हैं, फैक्ट, ये भी फैक्ट, ये भी फैक्ट, ये सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, सारी घटनाएं हैं। अब ये फैक्ट्स को भी हम एनालाइज करते हैं, उसमें डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 3 में इसके दिया हुआ है कि फैक्ट को डिफाइन किया गया है, फैक्ट क्या हो सकता है। तो दो चीजें हैं, एक फिजिकल फैक्ट होता है, दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, ठीक है। तो फिजिकल फैक्ट का मतलब होता है विच वी प्रसीव बाई सेंसेस, विच वी कैन प्रसीव इट बाई सेंसेस, मतलब अपनी इंद्रियों से, आंख से, नाक से, सूंघ के, जैसे भी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, वो फैक्ट हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट का मतलब होता है कि जब किसी मेंटल, मेंटल स्टेटस का या स्टेट ऑफ माइंड का या किसी कॉन्शियसनेस का आपको क्या होता है, भान होता है, अवेयरनेस होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कंडीशन। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इस घटना में, इस घटना में वो अपने सुबह सुबह उठता है, मॉर्निंग में अपने घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद क्या होता है, वो परेशान होता है, ऑफिस में उसको जल्दी से जाना होता है, ठीक है। वो बाइक बहुत तेज से भगाता है और यहाँ यहाँ उसका क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से उसने बाइक भगाया तो जो बाइक का, बाइक की जो स्पीड है वो क्या है, फिजिकल फैक्ट की बात कर रहा है, लेकिन उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या, कि उसको वहां जाके बहुत काम करना है या प्रेशर है किसी तरीके का, तो वो किस चीज का बात कर रहा है, मेंटल फैक्ट बात कर रहा है, साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो जर्मी बेंथम साहब इसको, जर्मी बेंथम साहब इसको कहते हैं कि फिजिकल फैक्ट हो सकता है या साइकोलॉजिकल फैक्ट हो सकता है। तो ये दो तरीके के फैक्ट होते हैं। अब लेकिन देखिए, फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत है इंडियन एविडेंस, ठीक है। पहली चीज क्या है, ये जो फैक्ट्स हैं इन्हीं को, इन्हीं का अगर लिंक बनाया जाए, एक कनेक्शन जोड़ा जाए, ये फैक्ट ही प्रूव करते हैं क्या, किसी कॉज ऑफ एक्शन को, किसी के राइट्स को, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूं कि यही फैक्ट मैं यहां कह रहा हूं कि उसकी डेथ एक्सीडेंट से हुई है, और कोई दूसरा आता है वो कहता है कि उसकी डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई है, डायरेक्ट उसकी वो अब लेके बाइक लेके गिर जाता है, वो किसी दूसरे से कॉलिड नहीं होते, उनकी टक्कर से नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एक का असर्शन और दूसरे का डिनायल, ये दोनों क्या मिलके बनाते हैं, फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन फैक्ट इन इशू बनाते हैं। अब ये जो फैक्ट इन इशू है, इसका मतलब क्या होता है कि जब इस मैटर को अगर प्रूव कर दिया गया तो उसके राइट को हम रेस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट इन इशू है, फैक्ट इन इशू का मतलब होता है ये मेन फैक्ट, मेन फैक्ट, इनकी कोई, इन फैक्ट्स की रेलेवेंसी है, लेकिन एज अ कनेक्टिंग फैक्ट, ना कि मेन फैक्ट, ठीक है। सपोज मैं अगर आपको एक दूसरे शब्दों में कहूं, तो अगर मैं इस शब्द को छुपा लेता हूं, मतलब इस घटना को छुपा लेता हूं, तो क्या कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि ये फैक्ट जो होते हैं इनको मेन फैक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये फैक्ट्स ही होते हैं जो कि रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, किसके लिए, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या किसी भी, ठीक है। तो अब ये जो फैक्ट इन इशू है,
ये क्या कहता है अपने आप में, क्या कहता है कि एक का असर्शन होता है दूसरे का डिनायल होता है, ठीक है। अब एक का असर्शन दूसरे का डिनायल क्या डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, एक डिस्प्यूट क्रिएट करता है। वो डिस्प्यूट क्या है कि जहां इनके पास भी कुछ फैक्ट्स होंगे, मतलब दोनों पार्टीज के, ए के पास भी और बी के पास भी कुछ अपने फैक्ट्स होंगे, कुछ अपने उनके पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और उन पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दें, एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो वो उनकी क्या होंगी, वो एक तरीके से उनका एविडेंस होगा। मतलब यही फैक्ट ही होता है जो कि बाद में एविडेंस बनता है। वो कब, जबकि कोर्ट में उनको प्रोड्यूस कर दिया जाता है, किस पर्पस के लिए, कि कोर्ट उस पर कंसिडरेशन ले। ये सारे फैक्ट एविडेंस नहीं हो सकते, लेकिन एविडेंस जो होगा वो कंपल्सरली क्या होगा, फैक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन कनेक्टिंग फैक्ट्स को हम एविडेंस तब मान सकते हैं जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाता है, उनको क्या समझने के लिए, कि क्या वो क्या गिल्ट को प्रूव करने में सहायक है, सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है। और कुछ शब्द हैं अभी जिनका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम आपसे उन शब्दों को डिस्कस करेंगे, तो आप वेट करते रहिए थोड़ा सा। और फैक्ट इन इशू अगर इन सारी चीज़ों को डिसाइड कर रहा है तो क्या होगा कनेक्टिवली अगर हम देखें तो वो उनके क्राइम को, ठीक है। अगर इस फैक्ट इन इशू पे डायरेक्टली हम कोई कनेक्शन नहीं बिठा पाते, हमारा कोई पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे उसकी डेथ हुई, वो घर से तो निकला था लेकिन उसको हमें एक्सीडेंट का कोई भी वो नहीं हो सकता, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है हमें, तो हम अगर इन जो घटनाएं हुई हैं लेकर एक स्टार्टिंग से पॉइंट से लेकर आखिरी तक जो घटनाएं हुई हैं, अगर उनका एक लिंक बनाएं, उन घटनाओं का लिंक बनाएं जिनमें कि फैक्ट इन इशू डिसाइडेड ना हो, दिया ना हो, वो क्या होते हैं, कनेक्टिंग फैक्ट्स होते हैं। और जो कनेक्टिंग फैक्ट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रेलिवेंट। अब ये जो चीजें रेलिवेंट हैं इनको अगर कंप्लीटली हम एक चेन बनाएंगे तो ये क्या क्या करेंगी, ये ज्वाइंटली प्रूव करेंगी। किस चीज को प्रूव करेंगी, आपके इस फैक्ट इन इशू को भी प्रूव करती हैं, और साथ ही साथ ये किस चीज को प्रूव करेंगे, आपको आपके राइट को भी प्रूव करते हैं। कब, जब कोर्ट में अगला दोनों पार्टीज अपने अपने राइट को कोर्ट के सामने एविडेंसेस के माध्यम से या विटनेसेस को प्रोड्यूस करके वो प्रूफ बियॉन्ड ऑल द रीजनेबल डाउट, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। क्या कि पहली चीज आपने क्या देखी कि फैक्ट, दूसरी चीज आपने एविडेंस देखी, तीसरा फैक्ट इन इशू क्या होता देखा, और चौथा रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है। चार चीजें आपने यहाँ डिस्कस की, ठीक है। लेकिन अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, क्या सभी फैक्ट, इन सब क्या यूज कहाँ है, इन सबको यूज कहाँ किया जाना चाहिए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो अप्लाई होता है वो केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे। जुडिशियल प्रोसीडिंग की वही मीनिंग है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 2I में डिफाइन किया है जुडिशियल। इसका मतलब है वहां लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा एविडेंस, मतलब कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें कि एविडेंस या तो ओथ पे दिया गया हो या दिया जाना हो, ठीक है। तो ऐसे एविडेंस को, ऐसे प्रोसीडिंग को हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है आपकी, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग बोल रहे हैं, मतलब एक कोर्ट में की हुई प्रोसीडिंग जिसमें कि जुडिशियल प्रूडेंस अप्लाई किया गया हो कोर्ट के द्वारा। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूडेंस की कोई कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट का यूज कर सकती है, नहीं कर सकती, एकदम आउटराइटली उसको डिस्कार्ड किया गया है। जैसे आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन कोर्ट होती है, आर्बिट्रेशन कोर्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, इंडियन एविडेंस एक्ट और कहाँ अप्लाई नहीं होता, सपोज अगर हम बात करें फोरम की, कंज्यूमर फोरम बनाए गए हैं,
तो ये फॉरम में भी अप्लाई नहीं होता, इसलिए नहीं अप्लाई होता क्योंकि वहाँ कोर्ट नहीं होती है, उसको स्पेशली एक फॉरम बनाया गया है किसी स्पेशल पर्पस के, वो कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, कोर्ट क्या क्या इंक्लूड करता है? डेफिनेशन क्लॉज ही, कोर्ट का मतलब होता है एनी जज, ऑल द जजेस, कोई भी मजिस्ट्रेट, और तीसरी चीज कोई ऐसा पर्सन जो कि एविडेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट, जिसको जिसको कि बाई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बाई ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी एविडेंस लेने के लिए उसको अलाउ कर दिया गया, उसे भी हम कोर्ट मानेंगे। और जब कोर्ट होगा तो वो इन फैक्ट्स को, इस फैक्ट इन इशू को और इस रेलेवेंट फैक्ट को क्या कर सकता है? प्रोसीडिंग के माध्यम से उसको तो क्या कर सकता? सेटल कर। अब इन सेटलमेंट के लिए हमें कुछ शब्दों को जानने की और भी जरूरत। ठीक है, वो शब्द क्या है? हम आपसे डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्या वो शब्द क्या है। पहला चीज, पहली चीज जो होती है वो होती है फैक्ट, दूसरी चीज होती है एविडेंस। हम दोनों को साथ में डील करते हैं। कोई भी फैक्ट कब यूज में आएगा, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट किसी भी फैक्ट को कब सपोर्ट करेगा? जब वो या तो रेलिवेंट हो, रेलिवेंट हो, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? एडमिसिबल हो। ठीक है, अब ऐसे साथ इसके भी हैं, रेलिवेंट हो और एडमिसिबल। तो रेलिवेंसी क्या होती है? पहली चीज वर्ड यूज हुआ रेलिवेंट हो। रेलिवेंट क्या होता है? अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा कि रेलिवेंट वही होता है जो एक दूसरे से कनेक्टिंग फैक्ट होते हैं, रेलिवेंसी। ठीक है, तो रेलिवेंसी दो तरीके से हो सकती है, जो कि हम एक नॉर्मल शब्दों में कहते हैं कि दो तरीके से हो सकती है। क्या? सबसे पहले होती है लॉजिकल रेलिवेंस, दूसरी होती है लीगल रिलेशन, लीगल एंड लॉजिकल। इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि लॉजिकल रेलिवेंसी का मतलब है कि कोई भी फैक्ट जो कि लॉजिकली कनेक्टेड हो दूसरे फैक्ट से, ठीक है, और वो रेलिवेंट हो, मतलब ऐसा कनेक्शन हो उन फैक्ट का, एक फैक्ट का एग्जिस्टेंस दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस को असर्ट कर रहा हो, उनके एग्जिस्टेंस को क्या कर रहा है? को सपोर्ट कर रहा हो। तो लॉजिकल फैक्ट इसी को कहते हैं कि जो लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दूसरा लीगल रेलिवेंसी। लीगल रेलिवेंसी वही है जिसको कि इंडियन एविडेंस एक्ट ने सेक्शन 5-55 में मेंशन कर रखा है, आइडेंटिफाई कर रखा है पहले से कि कोई भी फैक्ट जो कि 5-55 में फॉल करेगा वो क्या होगा? लीगली रेलिवेंट होगा, लीगली रेलिवेंट होगा। इंडिया में लॉजिकल रेलिवेंसी की कोई जगह नहीं, इंडिया केवल बात करता है लीगल रेलिवेंसी। लेकिन लॉजिकल रेलिवेंसी कोई चीज होए बिना लीगली रेलिवेंट हो ही नहीं सकती, एक जनरल सी बात है। तो इसलिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि जो लॉजिकल रेलिवेंसी होती है वही वही क्या करते हैं? प्रोसीड कराते हैं, उसी को प्रोसीड करके, उसी को एक्सटेंड करके हम लीगल रेलिवेंसी के नाम पे आइडेंटिफाई करके इंडियन एविडेंस एक्ट में 5-55 में रख दिया गया। ठीक है, अब जो चीजें रेलिवेंट हैं उनका एडमिसिबल भी होना चाहिए, मतलब कि कोई भी घटना हुई, ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। सपोज कि कोई किसी का मर्डर हो गया, रोड पे जा रहा था, उसको किसी ने गोली मार, ठीक है, तो उस मर्डर में क्या कि जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसकी शर्ट रेड कलर की थी या ब्लू कलर की थी, क्या ये रेलेवेंट है?
रेलिवेंट तो वो हो कि किस स्पॉट पे इसको मर्डर हुआ है, किस जगह पे किसने उसको गोली मारा है, मारने वाले का इंटेंशन था या नहीं था, क्या वो शूट करते टाइम पे, ठीक है, क्या वो जब वो आदमी आ रहा था उसने शूट किया तो क्या दोनों का इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, या कोई पहले का कोई प्रायर डिस्प्यूट रहा होगा इन लोगों के बीच में। तो ये सारी बातें जो हैं ये क्या कहते हैं, ये क्या बातें होती हैं, ये लॉजिकली कनेक्टेड फैक्ट होते हैं जो कि लीगली रेलेवेंट माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन एडमिसिबल फैक्ट वही होते हैं जिनको कि कोर्ट अलाउ कर देती है, क्या करती है, कोर्ट अलाउ कर देती है एडमिसिबल फैक्ट्स को, ठीक है। एडमिसिबिलिटी क्या होती है, ग्राह्यता इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुसंगतता, ठीक है। तो एडमिसिबिलिटी किसी फैक्ट की होती है कि ये जो फैक्ट हैं जो कि कनेक्टेड फैक्ट्स थे ये सब कोर्ट ने अलाउ कर दिया, किस पर्पस के लिए, कि उनको अब कोर्ट में प्रूव किया जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, डिसप्रूव कर दिया, है ना। तो अब तो कोई भी चीज इंटरडिपेंडेंट होती है, मतलब ये दोनों चीजें रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी किसी भी फैक्ट को, फैक्ट के लिए किस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी एविडेंसरी वैल्यू के लिए, उनकी उनके साक्षिक मूल्य क्या है, एविडेंसरी वैल्यू क्या है। तो ये जो दोनों हैं ये ज्वाइंटली अगर रहें तो एक फैक्ट को एडमिसिबल बना दे, एक फैक्ट को उस प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट बना, ठीक है। अब आते हैं एविडेंसेस, तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात करता है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात करता है, मतलब कि कोई भी फैक्ट जो कि एडमिसिबल है, कोई भी फैक्ट जो कि एडमिसिबल है उसको कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो फैक्ट एडमिसिबल है कि नहीं है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर हम आते हैं इस एडमिसिबिलिटी के पार्ट पे, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एडमिसिबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब किसी भी फैक्ट का एडमिसिबल होना अपने आप में क्या होता है, एक प्रूफ का काम करता है, लेकिन उस फैक्ट की वैल्यू जो होती है, उस फैक्ट का वेटेज जो होता है उसे हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। तो क्या रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी का क्या रिलेशन है, क्या हम इनको सेम मान सकते हैं, इनका क्या रिलेशन है? तो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बारे में कहा जाता है कि दे आर नाइदर सिनोनिमस नॉर कोएक्सटेंस, दोनों नहीं है, मतलब दोनों अलग हैं। यहाँ फैक्ट अपने आप ही रेलिवेंट होता है, यहाँ घटनाएँ उसको रेलिवेंट बनाती हैं, लेकिन एडमिसिबिलिटी क्या होती है, उसको कोर्ट डिसाइड करता है कि ये फैक्ट इस केस के लिए एडमिसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से क्या कहते हैं, एकदम से अलाउ नहीं किया जा सकता, बल्कि ये क्या है, दोनों डिफरेंस। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात, सेक्शन 5 ऑफ एक्ट क्या कहता है, ये दो चीजें बात करता है, दो चीजों की बात करता है। वो पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या कहता है कि कोई भी किसी भी कंडीशन में दो ही चीजों का एविडेंस दिया जा सकता है, पहला फैक्ट इन इशू, और दूसरा रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। तो आप फैक्ट इन इशू पता चल गया कौन से, वो डायरेक्ट फैक्ट, दूसरा रेलेवेंट फैक्ट चल गया आपको पता कौन से, कनेक्टिंग फैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसी घटना को प्रूव करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, फैक्ट इन इशू है, सबसे पहले फैक्ट इन इशू देना पड़ता है,
ठीक है, जिसको जिसको कि किस चीज़ से प्रूव करेंगे हम, सबसे पहले किस चीज़ से, डायरेक्ट एविडेंसेस से। डायरेक्ट एविडेंसेस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जो डायरेक्ट क्या करते हैं, ग्लिम्स देते हैं, इन्फरेंस देते हैं किस चीज़ के मैटर के अकरेंस से। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, वो डायरेक्ट एविडेंस की बात कर रहा है, और दूसरी चीज़ किस चीज़ की बात करेगा, अगर डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं हैं, ठीक है, या हैं भी तो वो क्या हैं, वीक तरीके के हैं, वीक हैं, तो ऐसी कंडीशन में दूसरी होती है सर्कमस्टांशियल। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या होते हैं, कि जहां घटनाएं एक ऐसी चेन बनाती हैं, उन चेन को प्रूव करने से क्या होगा, उस अकरेंस को या किसी के राइट को प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, घटनाओं के डिपेंडेंट होती है। तो ये एक तरह से इनको देखा जाए तो ये डायरेक्ट एविडेंसेस और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, इन दोनों को प्रूव करके आप क्या कर सकते हो, किसी घटना को प्रूव कर सकते हो या डिस्प्रूव करा सकते हो। ठीक है, तो सिचुएशन तीन है, इंडियन एविडेंस एक्ट तीन सिचुएशन की बात करती है किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस में। पहली सिचुएशन है कि कोई भी फैक्ट जिसको कि एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो प्रक्रिया क्या होती है, एग्जामिनेशन, कोर्ट्स में एग्जामिनेशन होते हैं इनके, जिसको हम तीन तरीके से अभी बता देते हैं आपको, कि पहला होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर कोई फैक्ट एक्स्ट्रा बच जाते हैं या कोई नए फैक्ट आते हैं या कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो उनके लिए री एग्जामिनेशन होता है, फिर उनका क्रॉस एग्जाम। तो सबसे पहले फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स को क्या होना चाहिए, उनका एग्जामिन किया जाना चाहिए और उनके रिजल्ट क्या होंगे, आइदर प्रूफ और डिसप्रूव। नॉट प्रूफ की कोई जगह नहीं है इंडियन एविडेंस में एक्ट में, ऑल दो डेफिनेशन सेक्शन 3 में डिफाइन भले किया गया है नॉट प्रूफ, उसको कहा गया है कि नाइदर प्रूफ नॉट डिसप्रूव। अगर कोई सिचुएशन नॉट प्रूफ की आ रही, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट कैसा है, इनडेफिनेट बातों की बात कर रहा है, मतलब कोई एक्सटेंट नहीं है, ये तो कोई कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जो अनहर्ड रह जाएंगे कम्प्लीटली, जो कि रिजल्ट पे ही नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, इसलिए नॉट प्रूफ की कोई का कोई डायरेक्ट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट किसकी बात करता है, सबसे पहले करता है प्रूफ की और डिसप्रूफ की। प्रूफ जो कि सेक्शन 3 में दिया हुआ है, प्रूफ को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो एग्जिस्टेंस, किसी चीज के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को असर्ट करता, ठीक है, कि ये घटना एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज प्रूफ। ठीक है, और उनको कैसे प्रूफ करोगे आप, पहले डायरेक्ट एविडेंसेस से, फिर अगर डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है सफिशिएंट, देन सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ठीक है, तो अब दूसरी आती है डिसप्रूफ की। डिसप्रूफ की वो कंडीशन है कि किसी फैक्ट का, किसी एविडेंस का एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस शो हो रहा है, वो घटना हुई ही नहीं है, तो नॉट प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये घटना को डिसाइड करना जो होता है, इसको कहते हैं कि किसके ऊपर ओनस रहेगा, किसके ऊपर ओनस रहेगा, किस बात का ओनस रहेगा कि वो प्रूव कर सके कि उसने वो ऑफेंस किया है या ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, तो इसे हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसमें कि पार्टी के ऊपर बर्डन होता है कि वो इस बात को प्रूव करे कि घटना घटित हुई है, या दूसरी कंडीशन होती है जहां ओनस ऑफ प्रूफ बोलते हैं, ओनस हमेशा क्या होता है, शिफ्ट होता रहता है दूसरे पार्टी पे, जो कि अगर नहीं प्रूव किया तो घटना वो तो क्या होगा, अगर प्रूव नहीं किया तो अपना मैटर हार जाएगा। ठीक है, अपना केस डिफीट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ। ठीक है, ये तो बर्डन की बात हो गई। तो जब सेक्शन 5 कहता है कि दो ही तरीके के एविडेंसेस अलाउड है, पहला फैक्ट इन इशू होना चाहिए, दूसरा रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। अब वो जो फैक्ट इन इशू है, वो जो एविडेंसेस हैं, उनको कैसे होना चाहिए, एविडेंसेस के जो एविडेंसेस जो दिए हुए हैं उनके लिए सेक्शन 65 का प्रोविजो नंबर 1 कहता है, क्या कहता है कि सॉरी एक्सप्लेनेशन होगा, मैं आपको बताता हूं, सेक्शन 65
प्रोवाइजो ही है। प्रोवाइजो कहता है कि कोई भी जजमेंट जो कि आएगा कब प्रोसीडिंग में, उसको कैसे होना चाहिए, ड्यूली प्रूव्ड फैक्ट्स पे होने चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव। मतलब यहाँ दो चीज की तो डिमांड कर दिया, क्या कि कोई भी एविडेंस है जिनको कि जो कि बाद में जजमेंट का पार्ट बनेगा उसको कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रेलेवेंट होना चाहिए। यहाँ तो कह दिया कि कोई भी इररेलेवेंट फैक्ट होगा तो उस पर जजमेंट बेस हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए, कोर्ट में उसको प्रूव कर दिया जाना चाहिए, कैसे, ओथ के माध्यम से या प्रोसीडिंग के माध्यम से, उनको एग्जामिनेशन के माध्यम, ठीक है। तो जब कोई भी फैक्ट है, ऐसे समझिए, जब कोई भी फैक्ट है वो फैक्ट किससे प्रूव हो रहा है, किस चीजों से प्रूव हो रहा है, इनसे, मतलब रेलिवेंसी से। कोई भी फैक्ट है तो सबसे पहले उसका एग्जामिन किया जाएगा, क्या वो रेलिवेंट है, और जब वो रेलिवेंट होगा तब उसकी एडमिसिबिलिटी चेक की जाएगी कि क्या वो कोर्ट उसको अलाउ कर रही है, किस चीज के लिए, उस मेन कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करने के, ठीक है। और जब ये दोनों होंगे तब हमें क्या होना चाहिए कि जो जो जजमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी ड्यूली प्रूव्ड। तो इतनी बातें हैं, एक चेन बन रही है, तो इस चेन को अगर हम प्रूव कर लें, सेटल कर लें, तो ये क्या निकल के सामने आएगा कि एविडेंसेस, एविडेंस एक्ट क्या, किस चीज की बात करता है, फैक्ट या फैक्ट को या एविडेंस को प्रूव या डिसप्रूव करने की बात करता है, ठीक है। तो अब इन फैक्ट और फिर अब इन्हीं फैक्ट्स को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ और इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट के कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 167 इसमें सेक्शंस हैं, ठीक है। सर स्टीफेंस ने इसको ड्राफ्ट किया था, 11 चैप्टर्स हैं और 3 पार्ट्स हैं। तो इनका पार्ट का जो डिवीजन किया गया है वो इनके एस्पेक्ट्स पे किया गया है। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि पूरे कंप्लीट एविडेंस एक्ट को अगर हम एक सर्किल बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी क्या होगा, फैक्ट होगा, ठीक। अब ये फैक्ट कैसा होना चाहिए, सबसे पहला ये फैक्ट कैसा होना चाहिए, इसकी रेलिवेंसी चेक होगी। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट होगा वो क्या है, किसकी बात करता है, रेलिवेंसी की। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो पार्ट फर्स्ट है वो बात कर रहा है किस चीज की, रेलिवेंसी, रेलिवेंसी की। और इसमें जो क्या कहते हैं, 1 से लेके 55 तक सेक्शंस फॉल करते हैं फर्स्ट चैप्टर में, मतलब फर्स्ट पार्ट में। तो वो डिसाइड करते हैं कि क्या कोई भी फैक्ट रेलिवेंट है या कि नहीं। समझ लो कितनी इंपॉर्टेंस है इस फैक्ट की, रेलिवेंसी की, ठीक है। फिर आते हैं दूसरी चीज, दूसरी बात करता है, दूसरा जो चैप्टर है वो बात करता है प्रूफ की, प्रूफ की, कि ये जो रेलेवेंट थे अब इनको किस तरीके से प्रूफ किया जाए। और तीसरा उस प्रूफ के एग्जामिनेशन की बात कर, एग्जामिनेशन की बात करता है। एग्जामिनेशन में क्या होगा, वही जो मैंने आपको बताया कि इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन हो सकता है, okay? तो इस तीन चीजों की बात करता है। तो हम भी जो आपसे डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम आपसे रेलेवेंसी की बात डिस्कस करेंगे, फिर आपसे प्रूफ की बात हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम इनके एग्जामिनेशन की। और ये जो तीनों हैं ये इसी तरीके से एक्ट भी करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई भी फैक्ट की रेलेवेंसी सबसे पहले चेक होती है, उन रेलेवेंसी के आधार पर उनको प्रूफ किया जाता है, और एक प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन से इनको गुजरना होता है, और उन एग्जामिनेशन के बाद जो फाइनली क्या निकल के आता है, एक कंक्लूजन निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है, वो कंक्लूजन क्या हो सकता है, आइदर प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड।
ठीक है, इतनी बातें हमने आपसे डिस्कस की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कुछ फैक्ट्स पे ले चलते हैं, मेन मेन प्रोविजंस पे हम ले चलते हैं आपको देखते हुए क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। हम स्टार्ट करते हैं आप इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये तो आपको एक छोटा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन था जो कि हम आपको देना चाह रहे थे। अब हम आते हैं प्रोविजन वाइज हम आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे रेलिवेंसी का पार्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा अब हम प्री स्पेसिफिक हो जाते हैं, प्री ओरिएंटेड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पीटी ओरिएंटेड, जैसे कि आपका क्रैश कोर्स है तो हम सारे कॉन्सेप्ट तो अभी आपको दे नहीं सकते, लेकिन हाँ हम थोड़े से कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं या उनके ट्रेंड हैं पूछने के, उनको हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो पूछ लेते हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट कब का है। इंडियन एविडेंस एक्ट कब का है, 1872 का है। ठीक है, दूसरा चीज़ पूछते हैं कि ये एक्ट नंबर कौन सा है। तो ये एक्ट नंबर कौन सा है, पहला है, एक्ट नंबर फर्स्ट है कब का, 1872 का। तो पेयर एक्ट में आपने देखेंगे तो वो नीचे लिखा होगा उसके, जस्ट फर्स्ट ऑफ 1870। ठीक है, फिर आती है बात इसकी कि एविडेंस हो गया आप, फिर हम आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसका इन्फोर्समेंट कब से हुआ, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब हुआ। तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसका जो है वो कब हुआ था, फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर को, कब, 1872। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर 1872 को इसकी डे इन्फोर्स हुआ था। ड्राफ्टिंग किसने करी थी, ड्राफ्टिंग स्टीफेंस महोदय ने करी थी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इसके प्रियम्बल को डिस्कस करते हैं। प्रियम्बल क्या कहता है, प्रियम्बल स्टार्ट होता है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट। तो वर्ड यूज हुआ है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, मतलब कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का अगर हिंदी अगर हम लिखें या हिंदी लिखते हैं समेकन। ठीक है, समेकन का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, मतलब कई चीज़ें कई जगह फैली हुई थी, इन सबको एक जगह से कंसोलिडेट किया। ठीक है, कंसोलिडेट का मतलब होता है कि ये जो एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट, वो अपने आप में एग्जॉस्टिव है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे एक्ट पे। जैसे पार्टनरशिप हमेशा देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे डिपेंडेंट होता है, या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमेशा किस पे, या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे डिपेंडेंट होगा या रजिस्ट्रेशन एक्ट पे डिपेंडेंट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो अपने आप में एग्जॉस्टिव है, मतलब ये किसी भी दूसरे एक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये कहता है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट डिफाइन, मतलब ये जो डेफिनेशन क्लॉज दी हुई है इन शब्दों को डिफाइन कर रहा है, इसका किसी भी सेंस में सेम मीनिंग होगी जो कि इसके डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 3 में दी हुई है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं क्या, अमेंड। ठीक है, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड तीसरा है अमेंड। ठीक है, अमेंड भी तीन बातों को इंक्लूड करता है, क्या, एडिशन, डिलीशन एंड अल्टरेशन। एडिशन का मतलब होता है किसी फैक्ट को ऐड कर देना, डिलीशन का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, और अल्टरेशन का मतलब होता है किसी पॉइंट को चेंज कर देना, किसी फैक्ट को जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उनमें कुछ वेरिएशन ला देना, कुछ चेंज कर देना। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो प्रियम्बल कहता है वो इन बातों को बात करता है, क्या कहता है कि सारे प्रूफ वाले प्रोविजन जो हैं वो उनको एक जगह कंसोलिडेट किया गया है, और साथ ही साथ अगर लेजिस्लेचर को लगे तो वो इसको डिफाइन और साथ ही साथ इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अपने आप में एग्जॉस्टिव हो गया ये प्रोविजन। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके प्रोविजंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसकी सीमा क्या है,
किस एक्सटेंट तक अप्लाई होता है। तो ये वही होल ऑफ द इंडिया में अप्लाई होता है, और साथ ही साथ एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में वो लेक्स फोरी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जो जो उस जगह का इंडियन एविडेंस एक्ट होगा वो अप्लाई होगा यहाँ के राइट्स के लिए, ठीक है। लेक्स फोरी वहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। तीसरी चीज आती है कि ये किस पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये अप्लाई नहीं होता किस पे, आर्मी के रिगार्डिंग कोई, नेवल के रिगार्डिंग कोई, ठीक है, आर्मी आर्मी के रिगार्डिंग कोई भी लॉज हैं, नेवी के कोई भी लॉज हैं, नेवल डिसिप्लिनरी एक्ट है, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट है, फिर साथ ही साथ एयरफोर्स एक्ट है, ठीक है, इन सब पे अप्लाई नहीं होता। और स्पेशली दो जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो बहुत बार पूछता है, वो कौन से हैं कि एफिडेविट पे भी अप्लाई। अब ये एफिडेविट क्या होती है, एफिडेविट पे क्यों नहीं अप्लाई होता? एफिडेविट पे इसलिए अप्लाई नहीं होता क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी फैक्ट को उठा के कह दोगे कि ये बॉटल हमारी है और आपने एफिडेविट लगा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रूव हो गया कि आप ही की है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एफिडेविट को भी अलाउ किया गया कि जब कोर्ट परमिट करे और रीज़न को डिफाइन करते हुए, जैसा कि ऑर्डर 19 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड की बात करता है, तो उसमें लिखा हुआ है कि एफिडेविट को यूज़ किया जा सकता है एज अ एविडेंस अगर कोर्ट उसको अलाउ कर दे, ठीक है। कोर्ट अगर उसको अलाउ करती है तो ही अलाउ किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हो गई एफिडेविट की बात। फिर आता है प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर। कोई भी आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर के सामने भी अप्लाई नहीं होता इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आपने आपको एक लिस्ट बनानी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस किस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। कोई भी ऐसे आपको एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ, जहाँ की जुडिशियल प्रोसीडिंग, जहाँ जुडिशियल प्रूडेंस यूज हुआ होगा, वहाँ तो इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हो गया अगर कि स्पेसिफिकली डिनाई ना कर दिया। लेकिन अगर जहाँ नहीं यूज़ किया गया है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूडेंस यूज़ किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। आप इसको ध्यान से रखिएगा, प्री में कई बार आपसे पूछते हैं। फॉरम्स पे नहीं अप्लाई होगा, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं, फिर आता है दूसरा डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज में पहली जो डेफिनेशन है वो बात करती है किस चीज़ की, कोर्ट की। कोर्ट मैंने आपको बता दिया, कोर्ट की वही मीनिंग होगी जो जो इंडियन एविडेंस एक्ट में है। मतलब अगर आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में कोई डेफिनेशन कोई अलग है कोर्ट की, तो वहाँ तो उसकी वो मीनिंग होगी, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट की वही मीनिंग होगी। एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि मतलब वो कुछ को आइडेंटिफाई कर दी है, मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है, कुछ को आइडेंटिफाई कर दिया है जिसमें इंक्लूड करता है ऑल दी जजेस, जितने जजेस हैं सब, उसके बाद ऑल दी मजिस्ट्रेट्स, कोई भी मजिस्ट्रेट जिसको की पावर है वो मजिस्ट्रेट, यहाँ केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। तीसरा ऑल पर्संस, मतलब लोगों को भी बात कर रहा है, वो कौन लोग हैं, एक्सक्लूडिंग आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर को छोड़ते हुए लीगली अथराइज टू टेक एविडेंस, जो कि लीगली अथराइज हैं एविडेंस लेने के लिए, ठीक है। तो उनको तो हम क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, हाँ उनको भी हम जज बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं हम दूसरे फैक्ट पे, दूसरी बात पे, जो कि डेफिनेशन क्लॉज में है। दूसरी बात कहती है फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स वही है, पहली चीज इसमें कह रहा है कि मींस, मींस का मतलब वहां तो मीनिंग बता रहा है, ठीक है। और दूसरा एक इंक्लूसिव डेफिनेशन भी दे रहा है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है फैक्ट की डेफिनेशन। तो वहां पहला क्लॉज में इसके बोल रहा है कि एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज फैक्ट है, ये बात, ये बॉटल यहाँ रखी हुई है ये भी फैक्ट है, मैं आपको टीच कर रहा हूँ ये भी फैक्ट है, फैन रन करना होगा, एसी चल रही होगी, ये सारी बातें फैक्ट हैं, ठीक है। हम लाइव आ रहे होंगे आपके सामने, ये भी फैक्ट है, ये टाइमिंग भी फैक्ट है, ठीक है। एनीथिंग, एनी स्टेट ऑफ थिंग, एनी स्टेट ऑफ थिंग का मतलब क्या है कि ये जो बॉटल आपको दिख रही है ये इस जगह पे रखी हुई है, एक सीक्वेंस बना रही है। सीक्वेंस किस चीज के लिए बना रही है, इसके स्टैंडर्ड की, इसके एक जगह पे एग्जिस्टेंस की, वो भी फैक्ट है। और तीसरा एनी रिलेशन ऑफ, एनी रिलेशन ऑफ थिंग्स,
रिलेशन ऑफ थिंग्स का मतलब आप लॉ के टीच आप लॉ के स्टूडेंट होंगे और मैं लॉ का टीचर होऊंगा, तो एक कनेक्टिंग लिंक है। एसएससी का स्टूडेंट लॉ की कोचिंग इंडियन एविडेंस एक्ट क्यों पढ़ेगा भाई? तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। तो रिलेशन किसके बीच में बन रहा है? हमारे और आपके बीच में बन रहा है रिलेशन। वो रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या निकल के सामने आ रहा है कि वो जो फैक्ट्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और जब इंटरकनेक्टेड फैक्ट्स हैं तो वो बाद में प्रूव करते हैं। वो क्या होंगे? उनको हम एक फिजिकल फैक्ट के तौर पे मानते हैं। कब? जबकि कि उनको हम परसीव कर सकते हैं बाई सेंसेस, अपने इंद्रियों से। इनको तो हम फिजिकल फैक्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है मेंटल फैक्ट। मेंटल फैक्ट क्या होता है? एनी फैक्ट, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ठीक है। एनी पर्सन इज कॉन्शियस मतलब कॉन्शियसनेस क्या होती है? आप मेरी मेरे लेक्चर को फील कर रहे होंगे, आप अलर्ट होंगे किसी चीज को लेके, आप हमें जज भी कर रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है? एक तरह की कॉन्शियसनेस है। आप इमोशनली जुड़े होंगे, ये भी कॉन्शियसनेस है। तो जो चीजें आपके मेंटल फ्रेम में हैं वो क्या बात करती हैं? कॉन्शियसनेस की, ठीक है, मेंटल फ्रेम में। और जो फिजिकली आप अपीयरेंस हैं, जिस चीज का फिजिकल अपीयरेंस है, वो क्या होगा? वो आपके फिजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल पहले भी आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसका जो ई क्लॉज है वो बात करता है मेंटल फैक्ट, मतलब दैट अ मैन हैज सर्टन रेपुटेशन इज अ फैक्ट। एक आदमी है जिसकी सर्टन रेपुटेशन है, वो क्या है? वो फैक्ट है। रेपुटेशन क्या होती है? रेपुटेशन होती है कि जब कोई भी चीज, कोई भी क्रेडिबिलिटी जो कि आप अचीव करते हो किससे? सोसाइटी से, ठीक है। वो क्या होगी? वो होगी फैक्ट। वो भी मतलब वो आपको विजिबल नहीं है। रेपुटेशन क्या किसी की दिखती है? किसी को कोई परसीव कर सकता है सेंसेस से? नहीं। उनको मेंटल फ्रेम से हम उसको क्या कर सकते हैं? मानते हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है। दिस इज फैक्ट, दिस इज ऑल्सो फैक्ट, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब इन्हीं दो फैक्ट्स को, इन्हीं फैक्ट्स को अगर हम डिफाइन करें, डिसाइड करें, तो दो तरीके के फैक्ट्स निकल के सामने आते हैं। पहला फैक्टा प्रोवेंडा, दूसरा फैक्टा प्रोवेंशिया, ठीक है। फैक्टा प्रोवेंडा होता है कि जिन फैक्ट को प्रूव किया जाना है, ठीक है, और फैक्टा प्रोविंसिया होता है कि जिनके माध्यम से, जिन फैक्ट्स के माध्यम से उसको आप प्रूव करोगे। तो वो जो फैक्ट हैं जिनको कि प्रूव किया जाना है, उसको मैंने आपको पहले बताया, क्या कहते हैं उनको? फैक्ट इन इशू। वो अपने आप में क्या होते हैं? फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू डिस्कस कर लेते हैं हम आपसे। फैक्ट इन इशू क्या होता है कि द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स, फिर से डिफाइन भी कर रहा है और इंक्लूसिव डेफिनेशन भी, एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है, ठीक है। वो क्या कह रहा है? एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाई इट्सेल्फ, कह रहा है कि एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाई इट्सेल्फ, मतलब ये फैक्ट अपने आप में ही प्रूव करे कि यहां बॉटल रखी हुई थी और इसमें जहर था। कोई बात दूसरी नहीं है, ये शराब की बॉटल थी। सपोज कि शराब की बॉटल है और शराब जो है वो प्रोहिबिटेड है, तो जो फैक्ट है कि यहां शराब रखी हुई थी, वो फैक्ट अपने आप में ही क्या है? एक तरह से फैक्ट इन इशू है कि शराब रखी हुई थी या नहीं रखी हुई थी। तो फैक्ट इट्सेल्फ क्या कर रहा है? वो फैक्ट इन इशू फॉर्म कर रहा है। दूसरा, दूसरी बात क्या कर रहा है? आइदर बाय इट्सेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स। इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स मतलब कि कुछ एक सिनेरियो बना रहा है। कुछ ऐसे कई फैक्ट्स, कनेक्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको कि अगर जोड़ दिया जाए तो वो प्रूव करेंगे क्या कि उस आदमी ने इनका मर्डर किया रहा होगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, ए बी दोनों दोस्त थे, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, और डिस्प्यूट किसके लिए हुआ? एक बुक्स के लिए हुआ या किसी चीज के लिए हुआ। और तीसरे दिन क्या, थर्ड स्टेप पे क्या होता है कि अगला आदमी दूसरे की बुक चोरी कर ले, ठीक है। तो इन कंडीशन में तीन फैक्ट्स हैं। पहला कि वो
दोनों दोस्त थे, ठीक है, दोनों दोस्त थे। दूसरी बात कि दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट क्या कर रहा है, दोस्त होते नहीं होते तो क्या डिस्प्यूट इस तरीके का हो सकता बुक्स के आदान प्रदान का, नहीं होता। और फिर तीसरी बात कह रहा है कि बुक का चोरी भी हो जाना, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट को अगर हम कनेक्ट कर दें तो कनेक्टिवली वो क्या करेंगे, वो क्या प्रूव करेंगे, ये तीनों फैक्ट प्रूव करते हुए वो फैक्ट इन इशू को प्रूव कर, ठीक है। अब ये दोनों, चाहे वो फैक्ट इटसेल्फ या कनेक्शन के साथ, किस चीज की बात करेंगे, या तो एग्जिस्टेंस की बात करेंगे किसी फैक्ट के, या तो नॉन एग्जिस्टेंस की बात करेंगे किसी फैक्ट के, तीसरा नेचर और एक्सटेंट को डिफाइन करने की बात करेंगे किस चीज के, राइट के, लाइबिलिटी के या डिसेबिलिटी के, और जिसको कि एक पार्टी ने असर्ट कर दिया, दूसरी पार्टी ने डिनाई कर दिया, ठीक है। तो इन सबको हम कंक्लूसिवली क्या बोलेंगे, फैक्ट इन, ठीक है। और ये फैक्ट इन इशू किस में होना चाहिए, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी सूट में मतलब सिविल मैटर्स में, या प्रोसीडिंग कोई भी मैटर, या क्रिमिनल मैटर हो सकता है, प्रोसीडिंग किसी भी प्रोसीडिंग को इंक्लूड करने के लिए कहा गया, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका फैक्ट इन इशू, ठीक है। तो हम आपको एक चीज बताते हुए चलते हैं कि कोई भी लेजिस्लेशन है, कोई भी राइट है, वो हमेशा फैक्ट इन इशू होता है अगर किसी के राइट का वॉयलेशन, ठीक है। अगर किसी के पास कोई राइट था, उसका वॉयलेशन हुआ, तो ये जो राइट होगा, मतलब आर्टिकल 21 आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल या कोई भी लॉ, वो क्या माना जाएगा, हमेशा फैक्ट इन इशू, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने आपसे क्या डिस्कस किया था कि कोई चीज फैक्ट इन इशू होगा। अब कोई चीज फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन हम ये चीजें हमें पता नहीं चल रही है कि वो फैक्ट इन इशू है या नहीं है। अब हमें क्या देखना है कि रेलेवेंट, क्योंकि डिफाइन किया गया है कहाँ, इसी प्रोविजन में, सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। इसमें आप देखिए, इसमें कहता है वन फैक्ट इज सेट टू बी रेलेवेंट टू अनदर। एक फैक्ट को कब रेलेवेंट माना जाएगा दूसरे फैक्ट से, जब कि व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद अदर, जब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। मतलब वो कनेक्शन कैसा होना चाहिए, जैसे अभी हम फैक्ट इन इशू में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड थे। एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे कि आप समझेंगे कनेक्टिंग फैक्ट क्या होता है। कि एक अपना घर से निकलता है, ऑफिस के लिए जा रहा है, ठीक है, वो एक हरीड वे में जा रहा है, या उसकी रैश ड्राइविंग करने की आदत है, वो हमेशा रोज एक ही रास्ते से 9 बजे निकलता है, ठीक है, और वो इतने बजे 10:05 पे अपने ऑफिस पहुंचता है, 10:05 पे अपने ऑफिस, ठीक। तो ये जो घर से निकलना, उसका कई कनेक्शंस को, कई फैक्ट्स को इंक्लूड करते हुए, कई फैक्ट को जोड़ के ही उसको ऑफिस तक पहुंचना होता है। बीच में से कोई गैप हटा लो, मतलब बीच में से कुछ फैक्ट्स को हटा लो, कनेक्शन हट गया, और कनेक्शन हट गया तो क्या वो कनेक्टिंग फैक्ट है, क्या वो ऑफिस पहुंचा, इस चीज को प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा एक घटना का दूसरे घटना से एक रेलिवेंट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। अभी हम आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिडेंस से जब डिस्कस करेंगे, तब हम आपको इस चीज के बारे में, इसकी रेलिवेंसी के बारे में बताएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। और फिर अब इसके बाद हम आते हैं कि ये रेलेवेंट फैक्ट हो गया आपका, ठीक है, यानी हमने आपसे रेलेवेंसी आपसे डिस्कस कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट जो कि रिटन फॉर्म में है, परमानेंट फॉर्म में हो, या किसी भी ऐसे फॉर्म में हो, लेकिन उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अब अगर आप डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को देखेंगे कि डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर हो सकता है, फिगर हो सकता है, और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच
which may be used for the purpose of recording that matter. अगर कोई भी purpose, कोई भी fact, matter को record करने के purpose से नहीं किया गया तो वो document नहीं माना जाएगा. ठीक है, random कोई चीज़ ऐसे बना दिया गया जिसके पीछे की कोई purpose नहीं है कि उसको हम record कर रहे हैं, document बना रहे हैं, तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको हम कभी भी ये नहीं मान सकते. ठीक है, मतलब document नहीं मान सकते. ठीक है, और फिर हम बात करते हैं आपसे एविडेंस की. एविडेंस जो हमने आपसे डिस्कस कर लिया, एविडेंस को भी डिफाइन किया गया है. ठीक है, अब आज के लिए टाइम हो चुका है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे. और हम अभी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड थे, थोड़ा सा हम प्री स्पेसिफिक हो जाएंगे. थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम आपसे डिस्कस करते हुए कुछ केस लॉस को हम आपसे डिस्कस करेंगे अभी इसी के दौरान. ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट. आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा. अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो आप बीच बीच में आप कमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद HP Academy. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सेम टाइमिंग 10 बजे. ओके, ऑल डन.